हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मुकेश। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ऑटो एक्सपो पे। तो दोस्तों, आज हम आए हैं हरती सूजी की क्रिमसन्स मोटर आए हैं, जो कि झारखंड बिहार के नंबर वन डीलरशिप है। और गाड़ी यहां पे देखेंगे तो महीना का एवरेज 350 से 400 का एवरेज है, जो कि हर महीना यहां पे गाड़ी सेल होती है। हमारे साथ में दीपक साहू जी हैं, और ये जो एस्प्रेसो देख रहे हैं, गाड़ी के प्राइस और फुल फीचर्स के बारे में आज आपको इन्फॉर्मेशन देंगे और गाड़ी के रिव्यू करेंगे। तो दोस्तों, हमारे वीडियो के साथ आप बने रहिए। अगर हमारे चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन जो दिख रहा होगा उसे प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी हमारी वीडियो आने वाली है अब तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। हाय गाइस, मायसेल्फ दीपक साहू। अभी हम आपको जो हमारे न्यू एसयूवी इंस्पायर्ड एस्प्रेसो है, उसके बारे में मैं आपको फुल रिव्यू दूंगा। फीचर्स क्या है, माइलेज क्या है एंड प्राइस क्या है, ये मैं सारी जानकारी अभी आपको दूंगा। तो जैसे हमारा इसका अभी जो बोला गया है, सर, एसयूवी इंस्पायर्ड एस्प्रेसो जो हमारी लॉन्च हुई थी अक्टूबर 7, 2019 में, उस टाइम से इस गाड़ी का लुक अच्छा है, क्योंकि ये गाड़ी कम प्राइस में एसयूवी का फील देती है। लाइक आपको 5 लाख के अंदर में ये गाड़ी आ जाएगी एंड आपको एसयूवी वाला लुक देगी। आपको 7 अक्टूबर 2019 से लेकर पैन इंडिया में टिल डेट अभी तक 50,000 प्लस हैप्पी कस्टमर हमारे अभी ये पैन इंडिया में हैं। तो चलिए हम आपकी गाड़ी की बात करते हैं। तो फ्रंट में हमारा आप देखिएगा तो हेडलैम्प दिया हुआ है, जो काफ़ी खूबसूरत है। आपको एक बोल्ड साइज में दिया हुआ है। क्रोम ग्रिल देखिए, क्रोम ग्रिल आपको देखिए, ये जो ग्रिल आता है ये हमारा देखिएगा एसयूवी, जो बड़ी गाड़ियां हैं उसम ये ग्रिल आता है, वो दिया हुआ है। हमारा बम्फर दिया हुआ है एंड वाइल्ड ग्रिल दिया हुआ है, जिससे अंदर का इंजन ठंडा रहता है। तो अब हम चलते हैं इंटीरियर की ओर। तो इंटीरियर में हम देखेंगे इसका, देखिए 90 डिग्री ओपनिंग डोर है, जो आराम से आप बैठ सकते हैं, आराम से इसको ओपन कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको बैठ के इसका दिखाते हैं आपको हम। तो हमारा भी जो मॉडल में हम डिस्कस कर रहे हैं, वो मॉडल हमारा एस्प्रेसो VXI प्लस है। इसमें आप देखिएगा तो हमारा स्टीयरिंग पर ऑडियो माउंटेड कंट्रोल दिया हुआ है, वॉइस कमांड दिया हुआ है, कॉल पिकअप ड्रॉप सारा यूज़ कर सकते हैं आप। और अपना दूसरा देखिएगा तो हमारा देखिए 7 इंच का डिस्प्ले दिया हुआ है, जो 5 लाख अंडर में आती है हमारी ये गाड़ी, जिसमें 7 इंच का डिस्प्ले दिया हुआ है, जिसका नाम है स्मार्ट प्ले स्टूडियो। इसमें आपने अभी मैप, वेदर, जोमेटो वगैरह सारा कुछ आप देख सकते हैं। और हमारा ग्लोब बॉक्स भी दिया हुआ है, छोटी सी गाड़ी है पर बहुत अच्छा स्पेस के साथ ग्लोब बॉक्स है। तो पहली बात सेफ्टी के फीचर्स में हम बात करें तो हमारा डुअल एयरबैग दिया हुआ है, ड्राइवर साइड एंड को ड्राइवर साइड। एंड इसमें हमारा जो पावर विंडो की बात करें, हमारा जनरली गाड़ी में आप देखेंगे पावर विंडो डोर पे रहता है यहाँ पे, बट हमारी दिस एस्प्रेसो में आपका पावर विंडो यहाँ पे दिया हुआ है, जो गाड़ी को थोड़ा सा यूनिक लुक देता है। आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, प्लस आपको एसी दिया हुआ है, जिससे आप अपना एसी वर्किंग कर सकते हैं। तो चलिए हम और देखते हैं सर। तो हमारा ये जो एस्प्रेसो जो है छोटी गाड़ी में, हमारा ये जो दिया हुआ है इसमें AMT मॉडल भी आता है, ऑटोमेटिक मैनुअल ट्रांसमिशन, इसमें मैनुअल भी है और ऑटोमेटिक भी दिया हुआ है। इसमें आपको कुछ नहीं, देखिए आपका इसमें क्लच पैडल नहीं रहेगा, आपका इसमें ब्रेक एंड ओनली एक्सलेटर रहेगा आपका, देख सकते हैं आप। बस खाली आपको ड्राइव मोड में गाड़ी डालना है और एक्सलेटर प्रेस करना है और गाड़ी अपना इन्जॉय करके चलाते रहना है। और हम सेफ्टी फीचर की बात करें तो हमारा ब्रेकिंग सिस्टम में ABS विथ EBD दिया हुआ है, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूटर। चलिए अब देखिए हमारा जो ऑटोमेटिक गियर का जो फंक्शन है, इसको AGS भी बोला गया है, ऑटो गियर शिफ्ट। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपका न्यूट्रल मोड में ब्रेक को प्रेस करके गाड़ी को स्टार्ट कर देना है, फिर ब्रेक को प्रेस करते हुए ड्राइव मोड में जाना है हमको, और गाड़ी ऑटोमेटिक हमारा फिर चलना लगेगी। इसमें आपको 2 ऑप्शन भी दिया, इसमें आपको क्रीप फंक्शन दिया हुआ है, जैसे गाड़ी आप ड्राइव मोड में कर दिए एक्सेलेरेटर से और ब्रेक से पैर को हटा दिए तो गाड़ी स्लोली स्लोली मूव आपका करना चालू कर देगा। अब अगर आपको कभी लगता है कि हमको गाड़ी ओवरटेक करना है, तो इसमें एक ऑप्शन और दिया हुआ है सिप्टोन फ्लाई, जो आप डायरेक्ट किसी भी मोड में आप इसको मैनुअल मोड में ला सकते हैं। आप इसको प्रेस करते हैं 1 गियर 2 गियर 3 गियर 4 गियर 5 गियर, और रिवर्स जाना है तो हमको कुछ नहीं करना है, बस हम ड्राइव मोड में जाकर फिर रिवर्स मोड में जाना है, फिर गाड़ी हम रिवर्स कर सकते हैं। तो काफ़ी बेहतरीन फीचर्स हैं। तो चलिए देखते हैं हम रियर में क्या क्या हमको फीचर्स मिलता है। लाइक दैट आप देखिए, इसमें पार्सल ट्रे आपको मिलेगा, जिसमें आप लगेज वगैरह ऊपर भी आप रख सकते हैं, एंड आप चाहे तो इसमें आप 12 इंच का 6 इंच का आप स्पीकर भी लगा सकते हैं और म्यूजिक सुन सकते हैं। और अगर बूट स्पेस की हम बात करें तो देखिए बूट स्पेस हमारा 239 लीटर का बूट स्पेस दिया हुआ है, जिसमें हम और काफ़ी ज़्यादा, मतलब काफ़ी ज़्यादा नहीं बोल सकते हैं, बट 3-4 सूटकेस हम आराम से हम रख सकते हैं और लॉन्ग ड्राइव पर हम जा सकते हैं, वीकेंड पर जा सकते हैं हम। तो कुल मिला के गाड़ी बहुत अच्छी है सर,
सी सेल टेल लैंप दिया हुआ है जो आपका एलईडी से कॉम्बिनेशन किया हुआ है, गाड़ी को लुक और बढ़ाता है, ठीक है। और हमारा ये और देखिएगा तो रिवर्स पार्किंग सेंसर दिया हुआ है जो 5 लाख के अंडर में काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन फीचर्स है। रिवर्स पार्किंग सेंसर, अगर 1 मीटर के ऑब्जेक्ट, 1 मीटर के अंदर में कोई ऑब्जेक्ट आता है तो गाड़ी आपका बीप बीप करके आवाज़ करने लगेगी। तो चलो हम रियर सीट की बात करते हैं, तो आइए हम देखते हैं। देखिए सबसे बेहतरीन आपको कैबिन स्पेस दिया हुआ है, आराम से 3 को बैठ सकते हैं। देखिए लेग रूम काफ़ी अच्छा लेग रूम है, हेड रूम बहुत बेस्ट है इसका, लेग रूम दिया हुआ है, ग्रिप असिस्ट, अगर लॉन्ग ड्राइव पे आप जा रहे हैं थकान फील हो गया तो आप ग्रिप असिस्ट को पकड़ के आप रेस्ट कर सकते हैं। और हमारा देखिएगा तो इसमें भी देखिए ये रियर डोर जो है इसमें भी 90 डिग्री ओपनिंग दिया हुआ, आराम से थोड़ा सा अगर हेल्दी आदमी है वो भी इंसर्ट कर सकते हैं और बैठ सकते हैं। देखिए यहाँ पे सीट का भी जो ये चौड़ाई दिया हुआ वो भी काफ़ी अच्छा है, आदमी का जो पोर्शन है वो बहुत बेस्ट। तो हम यहाँ पे और देखेंगे तो देखिए हमारा क्वाइन होल्डर दिया हुआ है, अगर आपका छोटा चीज़ है, अगर आप इसमें चाहें तो एक बोतल भी रख सकते हैं, कप वगैरह भी रख सकते हैं, काफ़ी अच्छा फीचर्स है। देखिए हर एक डोर में मैप पॉकेट दिया हुआ है। और एक और चीज़ हम आपको बताना चाहेंगे जो अभी तक आपको नहीं बताए थे, हमारा जो एस्प्रेसो का कोई जो भी मॉडल लेते हैं VXI, LXI या VXI प्लस, उसमें आपको फ्रंट का 2 पावर विंडो मिलता है एंड बैक का आपका मैनुअल ही रहेगा आपको, ये भी एक अच्छा है फीचर्स है। हमारा हेडरेस्ट भी इसमें दिया हुआ है जो आप आराम से थोड़ा सा रेस्ट भी कर सकते हैं, अगर लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं तो एंजॉय कर सकते हैं आप। हेडरेस्ट भी काफ़ी अच्छा है, देखिए ज़्यादा दिक्कत नहीं करेगा आपको, बहुत आरामदेह है ये। अगर हमारा आप देखिए इतना SUV सेगमेंट आप हमारा देखते हैं तो इसका जो टायर साइज दिया हुआ है 14 इंच का टायर साइज है, जिस कारण से हमारा इसका गाड़ी का SUV लुक देता है थोड़ा सा, इसका हाइट भी अच्छा है। इसका ग्राउंड क्लियरेंस की हम बात करें, देखिए काफ़ी अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस है आपका, अगर आप ऑब्स्टेकल एरिया में भी जाते हैं, रफ रोड में भी जाते हैं तो कहीं आपको दिक्कत नहीं होगी, अगर आप सपोज रूरल एरिया वगैरह में भी चल जाते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से गाड़ी कहीं भी पार कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम इसका सेफ्टी फीचर्स की हम बात करते हैं। जैसे आपको इसमें मिलेगा, आपको डुअल एयरबैग मिल जाएगा, ABS विथ EBD मिल जाएगा आपको, और रियर डोर पे आपको चाइल्ड लॉक मिल जाएगा, ठीक है। A-पिलर B-पिलर पे हमारा ये क्रम्पल जोन दिया हुआ है, अगर हमारा कोई आगे से कोई गाड़ी अगर क्लेजन होता है तो सारा जो फोर्स होता है वो आपको डिस्बर्स हो जाता है बाहर की ओर, और अंदर बैठे पैसेंजर एकदम सेफ एंड सिक्योर रहते हैं। तो चलिए हम आपको टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। तो अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो हमारा टेक्नोलॉजी 1000 cc का इसमें इंजन दिया हुआ है, जिसमें आपको अगर पावर्स की हम बात करें तो आपका 50 kW @5500 RPM पे हमारा पावर जनरेट करता है। अगर हम टॉर्क की बात करें तो हमारा 90 Nm @3500 RPM पे हमारा टॉर्क जनरेट करता है। और अगर ये फुल्ली केस रिज इंजन है, आपको इसमें ज़्यादा लो मेंटेनेंस कार है, इसमें आपको जो फ्यूल इंजन जो हमारा चेंज होता है वो आपका 1 साल बाद चेंज होता है, यानी 10,000 किलोमीटर बाद आप चेंज होता है। 1 साल तक आप गाड़ी लो मेंटेनेंस से, कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है, 1 साल बाद आपको आएगा इसमें तो हार्डली 1000 या 2000 का खर्चा आएगा, उससे ज़्यादा और कोई खर्चा नहीं आएगा। और फिर हमारा इसमें माइलेज की हम बात करें तो मारुति हमारा क्लेम करती है 22 का क्लेम करती है, बट ओन एवरेज आपको 17-18 मिल ही जाना है, क्योंकि 1000 cc की गाड़ी है। और इसका जो हमारा फ्यूल टैंक जो दिया हुआ है, फ्यूल टैंक हमारा 27 लीटर का फ्यूल टैंक दिया हुआ है, जो एक कंप्लीट अच्छा, मतलब अगर हम एक बार में इसका फ्यूल टैंक फुल करते हैं तो आराम से हम एक लॉन्ग ड्राइव पे जा सकते हैं, कहीं पे हमको दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों हम आपको जैसे कि हम आपको एस्प्रेसो का फुल रिव्यू आपको हम दे चुके हैं, अगर आपको कोई डाउट हो या कोई ये हो, कोई क्वेरी करना चाहते हैं तो हम कमेंट बॉक्स में या फ्रंट पेज में अपना नंबर भी आपको पोस्ट कर देंगे, आप मेरे को डायरेक्ट कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं एंड जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों हमारे साथ में दीपक साहू जी थे, वो गाड़ी की फुल इन्फॉर्मेशन आपको दी, और किसी तरह की कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या हमारे मेल पर आप मेल कर सकते हैं, और नीचे में दी हुई आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। दोस्तों हमारे वीडियो के साथ आप बने रहिए, और हमारे चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जो भी हमारी वीडियो आने वाली है सबसे पहले आप देख सकें। और इससे पहले हम वीडियो एक बनाए थे जो कि डिजायर ZXI सेकेंड टॉप मॉडल की रिव्यू किए थे, और उसका अच्छा रिस्पॉन्स मिला हमको, और आज हम एस्प्रेसो का रिव्यू किए और आपको पूरी जानकारी दी। थैंक यू दोस्तों। चलिए थैंक यू दोस्तों।